नगर निगम के सदन हॉल में शनिवार को महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पार्षदगण अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एकत्रित होकर पटेल की चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा सभी मौजूद पार्षदगण अधिकारी एवं कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व एवं विचारों पर प्रकाश डालते हुए महापौर द्वारा कहा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिना हिंसा के 562 छोटे छोटे राज्यों को आपस में विलय कराकर भारत वर्ष को समृद्ध एवं सशक्त राष्ट्र बनाने में बहुमूल्य योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल जी ने भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटेल मितभाषी, अनुशासन प्रिय और कर्तव्यनिष्ठ एवं कर्मठ व्यक्ति थे। राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं योगदान के ही कारण आज विश्व के श्रेष्ठ राजनीतिज्ञों की श्रेणी में सरदार पटेल को याद किया जाता है। विश्व मानचित्र में उनका अमिट स्थान है। उनकी जयंती पर मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ शत शत नमन करता हूँ। कार्यक्रम के अंत में अपर नगर आयुक्त AK सिन्हा द्वारा सभा समाप्त करने की घोषणा की गई। इस अवसर पर महापौर के साथ उपसभापति अजय राय, पार्षद देवेंद्र कुमार गौड़ उर्फ पिंटू, संजीव सिंह सोनू, संजय श्रीवास्तव, संयुक्त नगर आयुक्त अवनींद कुमार, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक हुबई चौहान, लेखाधिकारी अमरेश बहादुर पाल, कार्यालय अधीक्षक पवन कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे पूरी दुनिया लौह पुरुष के नाम से जानती है, हम उनके सम्मान में शपथ लेते हैं कि हम देश को अखंड रखेंगे, हम लोगों को एकता में अनेकता में एकता को दिखाना है। इसलिए भारत सरकार की तरफ से आदेश मिला है पूरे देश के अंदर शपथ दिलाई जाए। सभी जानते हैं कि विषम परिस्थितियों में जब देश को आजादी मिली, अंग्रेजों ने भारत को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने दो देश बनाए, पाकिस्तान और भारत, और करीब 562 रियासतें अपने देश के अंदर की और उनको ये आज़ादी दे दी कि चाहे आप पाकिस्तान के साथ रहो या भारत के साथ रहो। सरदार वल्लभ ने सोचा है कि भारत का सपना पूरा नहीं होगा, अगर यही स्थिति रही तो देश बिगड़ जाएगा। उन्होंने सारे राजवाड़ों की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर एक शपथ पत्र सभी राजाओं लिया कि हम भारत के गणराज्य का हिस्सा बनेंगे। इतने बड़े राज्यों का एक साथ मिलन, गठन दुनिया में एक इतिहास है कि 562 और हम लोग इस शपथ पत्र को पढ़ेंगे, मालूम है इसको आगे बोलूंगा तो एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। एकता की भावना से
जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सकेगा। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। आज पूरा देश स्वाभिमान के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष क्या हम लोग जयंती मना रहे हैं। नगर निगम सभागार में हमारे सभी पार्षद हमारे अधिकारी की उपस्थिति में देश की एकता और अखंडता की मजबूत करने के लिए हम लोगों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शपथ ग्रहण किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। 562 रियासतों का एक साथ भारत के गणतंत्र में विलय कराकर दुनिया को अचंभा कर दिया, और जिनकी वजह से आज भारत इतना विशाल सशक्त राष्ट्र बना है। मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई का जितना बड़ा कद था उस हिसाब से गुजरात में उनकी प्रतिमा लगाई है, उन्होंने सम्मान दिया है। आज पूरा देश लौह पुरुष को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है, इस विश्वास के साथ कि हम देश को अखंड रखेंगे, भारत की संप्रभुता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। इसके लिए 130 करोड़ भारतीय हमेशा देश को मजबूती देते रहेंगे। आज हम लोगों ने इसी उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष को याद किया है।